अभय, तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत नेक काम कर रहे हो। और तुम्हारे इसी काम में एक छोटी सी भेंट, जरा सी अनु और मेरी तरफ से यार, प्लीज टेक इट। थैंक्स यार। सुनिए वो, हाँ अभय भाई, ये किसी बच्ची का सर गिर गया था। अरे अनु का ब्रेसलेट, अनु के पास ये अनु। कमाल है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जब से यहाँ आए हैं तब से इस छोटी अनु से ऐसा लगता है जैसे कोई रिश्ता जुड़ गया हो यार। कमाल, लाई मैं उसे दे दूंगी। एक बात और, वो हाँ दरअसल अबे तुम्हें पता है कि बाहर उन्होंने बीच घूमने की रिक्वेस्ट करी है। सो आई नो तुम्हारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तुम्हारे सनात आश्रम के कोई पैरामीटर्स होंगे। सो अगर जरा सी भी गुंजाइश हो प्लीज, तुम हम उसे बीच घुमाना चाहते हैं। देखिए ये मेरा अपना आश्रम है, कोई ट्रस्ट नहीं, किसी का इंटरफेरेंस नहीं है इसमें। यहाँ के जितने भी नियम है वो सब मैंने बनाए हैं, और मेरा नियम ये कहता है कि मेरे आश्रम की कोई भी बच्ची किसी के साथ बाहर नहीं जा सकती। पर तू और भाभी मुझसे तो क्या सबसे अच्छे हो, मेरे आश्रम में जितना तुमने किया है वो कोई नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि अनु तुम्हारे साथ बिल्कुल सेफ है, तुम उसे ले जा सकते हो, पर समझ से लिया। Absolutely, thank you so much, अबे, thank you so much। तुम जो टाइम दोगे ना, हम उससे पहले वापस आ जाएंगे, है ना? वापस आ जाएंगे? एकदम। Thank you so much। ठीक है, मैं उसे अभी भेजता हूँ। पता है अनु, यहाँ के बच्चों को देख के पता चलता है कि हमारी मुश्किलें, हमारी झंझटें, हमारी उलझने, इन सबके सामने कुछ नहीं है। हमें लगता है कि हम अनु को एक दिन दे रहे, पर हमें तो कान्हा जी को थैंक यू कहना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में से हमें एक दिन दे रही है, हमारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन। अनु थैंक यू सो मच, मैं तुम्हें यहाँ हनीमून के लिए लाया था, और मैं हनीमून क्या है, एक दूसरे को जानने के सफर का पहला कदम। इस सफर में शरीर तो शायद थक जाता है, पर मन हमेशा साथ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो मन का मन को जानना बहुत जरूरी है। आप मुझे इस आश्रम में लेकर आए तो मैं आपके मन के, आपकी यादों के उस कोने में जा पाई जहां पहले कभी नहीं गई थी। थैंक यू मुझे अपने इतने पास आने देने के लिए। जानती हूं कि आप यही मानते हैं कि बहुत ज्यादा खुशियां मिलना सौभाग्य भी है और जिम्मेदारी भी, दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटने की जिम्मेदारी। जिसके भाग्य में सुख लिखा हो उसे दूसरों के भाग्य में सुख लिखने की कोशिश करनी ही चाहिए। होना ना होना कान्हे जी के हाथ में है, लेकिन एक कोशिश तो बनती है, है ना? मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। ओ, अब इट्स ओके। नाउ इट्स ओके। मेरे पास आपका कुछ है। अरे ये तो खो गया था। हाँ पर मुझे मिल गई।
अब तैयार जाने के लिए? ये हुई ना बात। यस ये। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप बताइए इनमें से आपका नाम कौन सा और मेरा नाम कौन सा? बताओ बताओ अनु, जल्दी बताओ। बताइए बताइए। हाँ, ये जो बड़ी ABCD है ये बड़ी अनु का, और वो जो छोटी ABCD है वो छोटी अनु की। बराबर। अरे पानी के डर से या लहरों के डर से कभी भी रेत पे कुछ लिखने से डरा नहीं करते बेटा। आप पोएट हो ना? पोएट? आपको कैसे पता? क्योंकि ऐसी इम्प्रैक्टिकल बातें कोई नहीं कर सकता। आपको तो ये कहना चाहिए था कि लहरों से थोड़ा दूर जाकर लिखो। नहीं हंस लो। नहीं, हो क्या? अच्छा, आपने क्यों नहीं लिखा? क्या नहीं लिखा? कि लहरों से दूर जाकर लिखो। आई थिंक ये इस नाम में कोई बात है। नहीं, कोई बात तो है, क्योंकि बड़ी वाली तो बड़ी वाली, छोटी वाली एक कदम और आगे है, बहुत तेज है, बिल्कुल बड़ी वाली की तरह। हाँ, लेकिन अगर कोई और आ गया तो? अब क्या कहेंगी आप? नाम कहीं भी लिखो, मिटने का डर तो रहता ही है, है ना? पर दोबारा से लिखने की उम्मीद भी रहती है, और ये उम्मीद कभी भी मत छोड़ो। क्यों? तुम्हें गुब्बारे पसंद है? तो तुम गुब्बारे को पकड़ती हो या उसकी डोरी को? उसकी डोरी को पकड़ती हूँ तो गुब्बारे खुद हाथ में आ जाते हैं। बराबर। उम्मीद और खुशी भी गुब्बारा और डोरी जैसे होते हैं। उम्मीद की डोरी पकड़ो तो खुशी का गुब्बारा अपने आप हाथ में आ जाता है। ये क्या बात हुई? जब मैंने डीप बात की तो इसने मुझे चुप करा दिया, लेकिन जब अनु ने डीप बात की तो इसे समझ आ गया। ये कैसे? ये भी तो अनु है ना, और मुझे खुद की बात क्यों नहीं समझ में आएगी? वाह, ये सही है। अच्छा मेरी अनु, यार मुझे बड़ी भूख लग रही है, अगर तुम लोग हाँ बोलो तो तुम लोग के टमी में भी मैं कुछ डाल दूँ। हाँ हाँ, चलो लेट्स गो लेट्स गो।